डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क फिलायर है और मैं कैलिफोर्निया का एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, हफ्तों के लिए घर से बाहर रहना। लेकिन यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, मुझे बस ट्रक कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा तक और कभी कभी न्यूयॉर्क तक पहुँचाना होता है और इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और कई बार टिप भी मिल जाती है, जिससे काफ़ी अच्छा गुजारा भी चल जाता है, अपने शौक भी पूरे हो जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ जल्द ही अपनी कंपनी शुरू कर लूँ और उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे। यहाँ पर ट्रक चलाने वालों को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। हम उसे अगर सेव करें तो अपनी कंपनी 10-12 सालों में ही खोल सकते हैं। मैं 7 सालों से ये काम कर रहा हूँ और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। ना मालिक की खिच, ना किसी का टोका जाना, बस अपने ट्रक में बैठे रहो, उसे चलाते रहो, कोई भी आपको परेशान नहीं करता अगर आप नियमों का सही से पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ ही जाता है। आप जिस सामान को ले जा रहे होते हैं, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वो भरपाई कई बार आपको करनी पड़ सकती है। कई बार मैं कैलिफोर्निया से स्ट्रॉबेरीज और अन्य तरह की बेरीज लेकर न्यूयॉर्क पहुंचता हूं और कभी कभी वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि रास्ते में कई ऐसी स्टेट्स आती हैं जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण ट्रक में वो सामान कभी कभी ख़राब हो जाता है और उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी उसकी भरपाई करने के बाद हमारे पैसे बच ही जाते हैं, इसलिए मुझे ये काम बहुत पसंद है। लेकिन टेक्सास से गुजरना मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है। टेक्सास में और कुछ नहीं है, वीरान सी जगह है, कुछ ही शहर बसे हुए हैं। लेकिन उन वीरान सड़कों पर कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेक्सिको से उस बड़ी दीवार को फांद कर आए हुए होते हैं। उन्हें यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है और वो यहाँ आकर बहुत परेशानी खड़ी करते हैं। वो यहाँ पर रहने वाले लोगों का काम छीन लेते हैं और कम पैसों में काम करने लगते हैं। मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं उनकी मदद कभी नहीं करता। टेक्सास से ये बड़ा इलाका है जहाँ से उन्हें चलकर ही गुजरना पड़ता है और कोई उनकी मदद नहीं करता। पुलिस वाले जब यहाँ से राउंड लगा रहे होते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है और बाद में मेक्सिको दोबारा भेज दिया जाता है। यहाँ पर रहने वाले कई ट्रक ड्राइवर्स पैसों के लिए उनकी मदद कर ही देते हैं, लेकिन मैं कई बार इन रास्तों से गुजरा हूँ। मैंने देखे हैं चलकर जाते हुए वो लोग, लेकिन मैंने कभी उनकी मदद नहीं की। मैं पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना चाहता और कुछ पैसों के लिए इल्लीगल काम करना मुझे हमेशा से नापसंद रहा है। मैं खुद को एक अच्छा इंसान मानता हूँ, कभी बुराई का साथ नहीं देता। लेकिन कभी कभी आप ऐसी मझदार में फंस जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता सही क्या है और गलत क्या। इस बार भी मैं ऐसे ही टेक्सास के एक सुनसान से शहर से गुजर रहा था। सड़कें बिल्कुल खाली थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेंसिंग की हुई थी, यहाँ पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रहे थे। और अचानक मुझे एक आदमी नज़र आया, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे और वो सड़क के एक किनारे किनारे चलता जा रहा था। वो अमेरिका जाना चाहता था और शायद मेक्सिको से आया था। मेरा ट्रक जब उसके बहुत ही करीब था, मैंने उसका शरीर देखा। उन फटे कपड़ों के अंदर उसका शरीर जला हुआ था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आने लगा और मुझे लगा पेट्रोलिंग की गाड़ी जब तक आएगी वो मर जाएगा। इस तरह से जला हुआ था, उसके शरीर के अंदर की कुछ हड्डियाँ भी दिख रही थी। मैंने एकदम से ट्रक रोक लिया, मुझे दया आ गई थी। मैंने ट्रक पास में रोककर उससे बात करनी शुरू कर दी, क्या हुआ है तुम्हें? वो बता नहीं रहा था, बार बार धूप की तरफ इशारा किया जा रहा था। शायद उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी और धूप के कारण और ज़्यादा तंग हो रहा होगा।
उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी, उसकी मदद करनी होगी। लेकिन बार बार वो हाथ हिलाए जा रहा था जैसे उसे मदद नहीं चाहिए। शायद ये कोई खुद्दार था जो मेक्सिको की उस दीवार को फांद कर आया था और वापस भी नहीं जाना चाहता था। शायद चलकर ही अपनी मंजिल तक जाना चाहता था, लेकिन कब तक? पुलिस वाले वहां पहुंच ही जाते और उनसे पहले वो इस तरह जले हुए शरीर में खुद को खत्म कर लेता। मैंने उसको हाथ लगाया और कहा, जल्दी से ट्रक में बैठो, मैं पास के अस्पताल में तुम्हें पहुंचा दूंगा, मेरी मान लो। वो मुझे मना किए जा रहा था, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता था। किसी तरह से मैंने उसे मनाया, वो मेरे साथ आया। मैंने ट्रक में एक तरफ उसे बिठा लिया और अंदर मैं एसी लगाना चाहता था, लेकिन बार बार वो एसी बंद किया जा रहा था। उसने अपनी तरफ की वो खिड़की भी खोल ली थी ताकि अंदर भी गर्मी हो जाए। मुझे नहीं पता जब किसी का शरीर जल जाता है तो किससे मदद मिलती है। क्या उसके शरीर को और गर्मी चाहिए होती है? क्या ठंडी चीज़ से उसे और दर्द होने लगता है? ऐसा ही लग रहा था। और उसके बाद मैं ट्रक तेज चलाने लगा। मैं उसे बचाना चाहता था और यहाँ अस्पताल कितनी दूरी पर है मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ से निकलूंगा तभी तो बचा पाऊंगा, वरना ये तो मर ही जाएगा। मैं लगभग 30 किलोमीटर आगे तक पहुँचा था और आगे पेट्रोलिंग कर रही एक गाड़ी बिल्कुल हमारे साथ चलने लगी। मुझे पता था उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा, लेकिन किस तरह से खिड़कियों के शीशे हमने नीचे किए हुए हैं और वो भी इतनी भरी गर्मी में, उन्हें शक होना जायज था। धीरे धीरे वो अंदर देखने लगे और उस जले हुए आदमी पर जब उनकी नज़र पड़ी वो समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ट्रक रोकने की कोशिश की और मैं उन्हें इशारा कर रहा था, इसे चोट लगी है, अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन वो मेरी बात मान नहीं रहे थे। जल्दी से एक तरफ मैंने ट्रक रोक लिया और पुलिस वाले अंदर झांकने लगे थे, पीछे उस सामान में झांकने लगे थे। उन्हें शक हो गया था शायद मैं इल्लीगल लोगों को यहां तक पहुंचाता हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया, पीछे सामान है, ये रास्ते पर जा रहा था, शायद ये मेक्सिको की दीवार फांद कर आया होगा, लेकिन शरीर जला हुआ है, शायद इसे चोट लगी होगी कहीं पर, शायद बिजली के कारण ये जल गया होगा। देखिए, मैं मदद करने के लिए इसे ले जा रहा हूँ, इसका मरना तय है। लेकिन वो बार बार आँखें झपकाता हुआ कुछ बोल नहीं रहा था। मैं कहने लगा था, कुछ तो कहो, मुझे मत फंसाओ, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा और मेरी तरफ चेहरा करके मुस्कुराने लगा, और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे दिल में छिपा हुआ हो। ये देखकर पुलिस वाले समझ गए थे कि उसने कोई कॉस्ट्यूम पहनी है, वो जला होने का इस तरह से ढोंग कर रहा है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, मैं उन्हें समझाता रहा, लेकिन वो माने ही नहीं। उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उसका इलाज वहीं पर किया जा रहा था, लेकिन उसके शरीर पर लगाई गई हर क्रीम विफल हो रही थी। उसका शरीर ठीक नहीं हो रहा था, जैसे ही उसके शरीर पर पानी डाला जाता वो तड़पने लगता और कहने लगता, मत करो, इससे मुझे दर्द होता है। वहां एसी भी बंद करवा दिए गए थे क्योंकि वो बार बार तड़पे जा रहा था, उसे गर्मी चाहिए थी। वहां पर डॉक्टर भी बुलाए गए थे और डॉक्टर भी कह रहे थे, इसका शरीर बहुत ज़्यादा जला हुआ है, किस तरह से जल चुका है फिर भी ये मर नहीं रहा है, अब तक इसे मर जाना चाहिए था जिस तरह से ये झुलस चुका है। उसके शरीर का इलाज करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इलाज हो नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने खुद ही अपना मुंह खोलकर बोला, ऐसे जले हुए निशान बहुत पुराने हैं, ये हमेशा नए से दिखते हैं, मैं नहीं मरने वाला, मैं कैसे मर सकता हूं। उसने ये कहा था और डॉक्टर भी मान गए थे, सच में इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, इसे दर्द नहीं हो रहा, शायद इसके शरीर में बदलाव आ चुके हैं। लेकिन पुलिस वाले अब उसका इलाज नहीं करवाना चाहते थे, उसे जेल भेजना चाहते थे, और मुझे भी उसके साथ, क्योंकि मुझे उसका साथी माना जा रहा था। मैंने अपने सारे पेपर्स दिखाए और मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मैं इलीगल तौर पर लोगों को मेक्सिको से यहाँ पर ले जा रहा हूँ। मैं कई बार ट्रक यहाँ से लेकर गया था, ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की थी, लेकिन मैं फंस गया था। मुझे सज़ा भी दी गई और मैं उसी जेल में था जहाँ पर वो आदमी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं उससे बात करना चाहता था। उसे अलग सेल में रखा गया था, मुझे अलग सेल में रखा गया था। पहला दिन मेरा बहुत दुखदाई रहा, आँखों से पानी आता रहा। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की थी, मैं तो बहुत शरीफ रहा। मैं स्कूल में किसी से लड़ाई नहीं किया करता क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था, मैं लड़ना पसंद नहीं करता।
बुरे काम करना पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो दिल है इसमें दया है, और आज मुझे दया ने ही मार दिया था। मैं उस पर दया ना करता शायद मैं ना फंसता। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। वो अपने सेल से चीखे मारता, हंसने लगता, रोने लगता, अजीब अजीब हरकतें किया करता और सेल से बाहर नहीं निकलता। दूसरे दिन मैं अपने सेल से बाहर आया था। बाहर ग्राउंड बनाई गई थी जहां पर अलग अलग तरह के कैदी थे। उन कैदियों से सब बात कर रहे थे, वो आपस में बात करते, खेलते। क्योंकि मैं नया था, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैं सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया था और बाकियों को खेलता हुआ देख रहा था। मुझे लंबी सज़ा यहाँ पर भुगतनी थी, और यहाँ क्रिमिनल्स के बीच आप भी क्रिमिनल कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन मैं इसी तरह से बाकियों से अलग रहा। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ, उस समय मुझे समझ में आया जेल में क्या क्या होता है। मुझे जिस प्लेट में खाना दिया गया था, मेरा खाना बाकियों ने छीन लिया। उस दोपहर मैं भूखा ही रहा था, और रात को आपके सेल में आपको खाना मिलता है, इसलिए मैं बच पाया था। मेरे सेल में कोई और नहीं था, वरना कोई और होता वो मुझसे खाना छीन लेता, और यहाँ भूखे मरने की तैयारी करनी पड़ती मुझे। तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। नाश्ता तो मुझे मिला ही नहीं। दोपहर के वक्त मैस में खाना मैं खा नहीं पाया, क्योंकि वो कैदी मुझसे खाना छीन लेते। उन्हें ज़्यादा खाना होता और यहाँ सबको बराबर मिलता, वो छीन कर आपस में बाँट कर खा लेते। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए हों, वो भेड़ियों की तरह उस खाने पर टूट पड़ते। आधा खाना नीचे गिर जाता और आधा ही उनके पेट में पहुंच पाता। नीचे गिरा हुआ वो हाथ तक ना लगाते और वहां से चले जाते। उसके बाद वो बिखरा हुआ खाना खाने का मन तो करता, लेकिन उस पर मिट्टी लगी होती। रात का ही खाना खाना पड़ता। जेल में मेरे दिन बहुत मुश्किल भरे होने वाले थे। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। चौथा दिन, वो अब भी अपने सेल से बाहर नहीं आया था। खाना सिर्फ एक वक्त का ही खाता, और वो भी रात का। कहा जा रहा था कि रात के उस खाने को भी वो किसी तरह अंदर जला देता। बार बार पुलिस वाले अंदर जाकर देखते जलाने वाली कौन सी चीज़ है, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं पाती। बस खाना सारा जला हुआ होता, जैसे आग से वो उन्हें काला कर देता हो। इसके बाद पूरी जेल में खबर फैल गई थी कि एक कैदी मरना चाहता है। वो भूख हड़ताल पर बैठ गया है, खाना जला देता है जो पता नहीं चलता। लेकिन मैं भी उसका साथ ही था। मेरा भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मुझे खाना मिल ही नहीं पा रहा था। उस दोपहर जब मैंने अपनी प्लेट में खाना डलवाया था, जल्दी जल्दी हाथ में भी पड़वा लिया और जल्दी वो चावल मुंह में डाल लिए ताकि कुछ तो खा पाऊँ। उस प्लेट को टेबल तक लेकर जाता तब तक सब टूट पड़ते, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। वो जला हुआ इंसान पीछे से मेरे करीब आया और मुस्काने लगा। इसके बाद वो मेरे साथ साथ चलने लगा। उसने प्लेट में खाना नहीं डलवाया। उसके बाद मैं कहने लगा, भूख लगी है, प्लेट में खाना डलवा लो। लेकिन उसमें खाना उसने डलवाया ही नहीं, मेरे साथ साथ आता गया, टेबल में बैठ गया। मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा था और डर रहा था कोई मेरा खाना छीन लेगा। वो मोटे मोटे लोग जिन्हें यहाँ पर स्पेनिश कहा जाता है, वो यहाँ पर सबका खाना छीन लेते थे। यहाँ गैंग बनी हुई थी, स्पेनिश गैंग, मैक्सिकन गैंग, चाइनीज गैंग। कैदी अपने अपने ग्रुप में रहते, लेकिन मैं तो कमज़ोर सा था, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया था क्योंकि मेरी शक्ति इतनी थी ही नहीं। आज फिर से ये स्पेनिश गैंग वाला वो मोटा आया मेरी प्लेट उठाने के लिए। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था। वो जब भी मेरे करीब आता, एक चमाट मुझे लगाता, मेरी प्लेट ले जाता। उसके बाद उस प्लेट पर सब टूट पड़ते। मैं पहले ही आज पीछे हट गया था। उस प्लेट पर जब उसने हाथ लगाया था, तो उस जले हुए आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो गुस्से में आ गया था, मेरा हाथ तूने क्यों पकड़ा? वो उसे मारना चाहता था, और दो बार उसने मुक्के उसके चेहरे पर मारे थे। इतने दमदार मुक्के खाने के बाद भी वो जला हुआ आदमी हंसता जा रहा था। उसने दो मुक्के और बरसा दिए। उसे जैसे दर्द नहीं हो रहा था, जैसे जलने के कारण उसके शरीर में दर्द भी खत्म हो चुका हो। वो मुक्के खाए जा रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। उस मोटे आदमी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, झटका मारा था, लेकिन उस जले हुए इंसान का शरीर बहुत तगड़ा था। उसकी उंगलियों से उसका हाथ निकल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो तड़पने लगा था। वो इस तरह से तड़पने लगा था जैसे उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हो। वो चीखें मार रहा था।
उसके हाथ से धुआं निकलने लगा था, जैसे उस मोटे आदमी की बाजू जलने लगी हो, भाप निकल रही थी। उसके बाद जब उसने हाथ छोड़ा तो मोटे आदमी की बाजू लगभग जल चुकी थी। जहां से उसने पकड़ रखी थी वो पूरा एरिया जला हुआ था, राख सा बन गया था और वो मोटा चीखे मार रहा था। वो स्पेनिश गैंग उस जले हुए आदमी को पीटने के लिए आई थी, लेकिन वो मुक्के बरसाते रहे। वो उन मुक्कों से बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि खुद ब खुद उसे खा रहा था। उसकी पिटाई हो रही थी लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसे कई बार लाते मारी गई लेकिन वो अपने उस बेंच से हिला तक नहीं, गिरा तक नहीं। लेकिन जब वो किसी को हाथ लगाता तो कपड़े तक जल जाते। वो इतना गर्म था, इतना गर्म था कि जिसको हाथ लगाता वो जलने लगता। उसके शरीर पर वो तड़प सी होने लगती। सब ने कोशिश कर ली। वो पूरी स्पेनिश गैंग 20 लोगों की अब उस जले हुए आदमी से डरने लगी थी। वो उसे छूना नहीं चाहते थे क्योंकि जहां भी उसे छूते उनके कपड़े जलने लगते। वो इतना गर्म हो चुका था। उसके बाद उसकी आंखों में मैंने एक अंगार सा देखा। हमारी आंखों में ऐसा अंगार नहीं दिखता। वहां से आंखों से धुआं निकल रहा था जैसे वो अंदर से भी जल रहा हो। उसने तब वार किया था उस मोटे पर जो नीचे लेटा हुआ तड़प रहा था। उसकी छाती पर मारा गया एक मुक्का उसे बेहोश करने के लिए काफी था। उसकी छाती पर मुक्का पड़ा, उसके मुंह से खून निकला और वो बेहोश। उसकी पूरी गैंग एक एक कदम पीछे हटा रही थी, उस मोटे को घसीट कर पीछे ले जा रही थी। उस जले हुए इंसान की दहशत पूरी जेल में फैल गई थी क्योंकि स्पेनिश गैंग से हर कोई डरता था। ये मोटे हर गैंग की पिटाई कर दिया करते लेकिन एक जले हुए आदमी से डरने लगे थे, उसके करीब नहीं आ रहे थे। सामने पड़ी मेरी प्लेट जिसका खाना किसी ने छुआ तक नहीं था। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा था और कहने लगा था, तुम्हारा खाना तुम ही खाओगे। मैं अपनी उस प्लेट को उसे देना चाहता था, तुम ले लो, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा खाना तुम ही खाओगे, तुम मेरी मदद कर चुके हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसके सामने बैठकर खाना खा रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी अब मेरी प्लेट को हाथ लगाने की। उसकी मुस्कान भी बहुत अजीब सी थी, वो बस मुझे घूरे जा रहा था। उसका चेहरा भी बहुत जला हुआ था, अच्छे से पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन जले हुए चेहरे की पहचान सी हो गई थी, असली चेहरा मुझे पता नहीं था। अब मैं उससे बात करने लगा था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या करना चाहते हो, पकड़े गए हो, वापिस मैक्सिको जाना चाहते हो? तो उसने कहा, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ बाद में जाऊँगा, मेरा यहाँ पर एक काम है, जब तक मैं वो काम पूरा नहीं कर लेता वापिस नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, मुझे गर्मी की आदत है, मैं ठंड में नहीं रह सकता, मेरा शरीर ऐसा ही हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारा शरीर इतना जला कैसे है, क्या किसी ने जला दिया था, क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? तो वो हंसते हुए कहने लगा था, मुझे माफ कर देना, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, पकड़े जाओगे, कौन पकड़ेगा, ये पुलिस वाले, तुम तो पहले ही जेल में हो। तो वो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है, मेरे साथ रहोगे सब कुछ जान जाओगे। मैं उससे जानना चाहता था कि वो क्या करना चाहता है, जेल में क्यों आ गया है, अगर वो मेक्सिको का है तो वहाँ उसे वापस चले जाना चाहिए, यहाँ बार बार पकड़े जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहने लगा था, मुझे काम कैलिफोर्निया में है, मैं कैलिफोर्निया में खास काम करना चाहता हूँ, बस वो काम कर जाऊँ वापस चला जाऊँगा, यहाँ रहना मुझे भी पसंद नहीं है, ये मेरा इलाका नहीं है, वापस तो मुझे जाना ही होगा, वो मुझे घसीट कर लेकर जाएंगे, उससे अच्छा है मैं ही चला जाऊँ, सज़ा तो कम मिलेगी। मैं फिर से डर गया था। मैंने कहा, कौन पकड़ कर ले जाएंगे, क्या तुम इंटरपोल वालों की बात कर रहे हो, क्या तुम कोई बड़े क्रिमिनल हो या गैंगस्टर की बात कर रहे हो, वो तुम्हें पकड़ कर कहाँ ले जाएंगे? तो वो फिर से मुस्कुराने लगा था, तुम्हें मैं नहीं बता सकता, समझने की कोशिश करो, जितना मैं बोलता हूँ उतना सुनो, सवाल मत किया करो, मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसी के कारण मैं यहाँ जेल तक पहुँचा था, तो उस पर गुस्सा तो आ रहा था लेकिन आज उसकी ताकत भी देख ली थी,
उसकी वो गर्मी भी देख ली थी, इसलिए मेरा वो गुस्सा ठंडा भी पड़ चुका था। उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था, मेरी वो एक सेकंड में पिटाई कर देगा और मैं कुछ समझ तक नहीं पाऊंगा, मुकाबला तक नहीं कर पाऊंगा। यहाँ इतने कैदियों की भीड़ थी, कई बहुत ज़्यादा कत्ल तक कर चुके थे, लेकिन हर कोई उससे डरने लगा था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं भी अब बस उसकी बात ही सुनने वाला था। वो कहने लगा था, एक दिन है मेरे पास, यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल ही दूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता, मेरी सज़ा कम है, मैं सज़ा भोग कर ही बाहर निकलूंगा, अगर यहाँ से भागा तो बुरा फंसूंगा, सारी ज़िंदगी के लिए फंसूंगा और तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, तुम पहले ही मुझे फंसा चुके हो, दोबारा मत फंसा देना। ये पांचवां दिन था और उससे बातें करते हुए ही वहाँ अचानक पुलिस वालों की भीड़ आ गई। उन पुलिस वालों ने उसे जल्दी से पकड़ लिया था, उसे अपने हाथों में थाम लिया था, लेकिन बार बार जलन के कारण उन्हें छोड़ना पड़ता। उसके शरीर से इतनी तपिश निकलने लगती, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगता, वो थोड़ा थोड़ा जलने सा लगता कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। वो भीड़ उसे कह रही थी, आपको हमारे साथ चलना होगा, जल्दी चलिए। वो उनके साथ गया, उसकी स्कैनिंग होनी थी, उन्हें पहचान करनी थी, आखिर ये है कौन, क्या ये मैक्सिको से आया है या यहीं का है, क्योंकि पहले तो उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। और इसके बाद आधा घंटा उसे वहाँ रखा गया, और जब यहाँ पर छोड़ा गया तो हर तरफ खबर फैल गई थी कि इसकी स्कैनिंग हो चुकी है, ये कोई और नहीं, इसका नाम एलेक्स है और ये यहीं अमेरिका का रहने वाला है। ये बात सुनकर जितनी खुशी मुझे हुई थी और शायद किसी को नहीं हुई होगी। ये भी खबर थी कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन गलती से इस केस में पकड़ा जा चुका है। इसकी आंखों की स्कैनिंग की गई, इसके हाथ तक जले हुए थे, आंखों की पुतलियां भी बदली हुई थी, लेकिन पता लग पाया कि ये कौन है, इसीलिए अब हमारी सज़ा कम होने वाली थी। मैं शायद अब 1 से 2 हफ्ते में ही निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, ये कोई क्रिमिनल थोड़े ना है, ना ही ये मैक्सिको से आया है। वहाँ पर कैसे पहुँचा मुझे नहीं पता था, मेरे सामने आकर बैठा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। आज रात यहाँ से निकलने का समय है, तुम्हें पता है तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और मुझे यहीं पर फंसा लिया जाएगा। 1 साल पहले की बात है, मैं पहले बहुत शरीफ था, लेकिन उन लोगों के साथ मैं भी चला गया था बैंक लूटने के लिए। उन्होंने वो पैसा तो लूटा, लेकिन सब सबूत मिटाने की कोशिश की। मैं भी तो एक गवाह था, इसलिए मुझे भी मारा, मुझे इसी तरह से गोलियों से भून कर रख दिया था। मुझ पर इल्ज़ाम तो लगे थे, लेकिन असली चोर तो वो थे। मैंने कहा, तो क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम बच कैसे पाए और शरीर कैसे जला दिया तुम्हारा। वो फिर से जवाब नहीं दे रहा था और कहने लगा था, सवाल मत करो, जितना मैं बताता हूँ उतना सुनते जाओ, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मैं खुद ही जान लूँगा और जवाब देता रहूँगा, लेकिन सवाल मत किया करो, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन जवाब नहीं दे सकता। अब मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम इस जेल से भागोगे, बचने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। उसकी मुस्कान भयानक सी थी, वो कुछ करने वाला था और रात को 12 बजे उसने कुछ किया। अचानक मेरी नींद खुली तो मेरे सेल के अंदर वो खड़ा था। मेरी नज़र पीछे उन सलाखों पर पड़ी तो वो सलाखें पिघली हुई थी, पिघल कर खाली हो चुकी थी और वहाँ से वो अंदर घुसा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने एक उंगली मेरे माथे पर रखी थी और मैं चीखने की कोशिश करता रहा, चीख नहीं पाया। उंगली गर्म होती गई और उसने कहा, ये उंगली माथे के आर पार चली जाएगी, मरना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं हमेशा के लिए एक अपराधी बन जाऊँगा, जहाँ मैं कुछ ही दिनों में छूटने वाला हूँ, ये सज़ा मैं इसी तरह से यहाँ भुगतूंगा, बाहर चला जाऊँगा। लेकिन उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर लपेट दिया, वहाँ पास में एक चाकू पड़ा था, उसने वो चाकू मेरी गर्दन पर रख दिया और कहा, देखो ऐसे तुम नहीं फंसोगे, तुम्हें इस तरह किडनैप करके लेके जाऊँगा, सबको लगेगा मैंने तुम्हें किडनैप किया है, ये देखो गर्दन पर चाकू है, इसी तरह मेरे साथ चलो। मैं मना करता रहा, लेकिन वो मुझे घसीटता हुआ उस सेल से बाहर लेकर आया, मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था, घसीटता हुआ जहां भी हाथ लगाता वो दरवाज़ा पिघल सा जाता,
वो दीवारों में छेद करता हुआ उन रास्तों से जेल से मुझे भी बाहर ले गया था जहां से रास्ता बन ही नहीं सकता था। वहां पर पुलिस वाले थे ही नहीं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें बनी हुई थी। लोहे के बड़े बड़े दरवाजे भी उसने बस बड़ी आसानी से पिघला दिए थे और मैं उसके साथ जेल से बाहर था। कोई जान नहीं पाया लेकिन कैमरे में आ गया था। मुझे एक बात की खुशी थी कि उसने मुझे किडनैप किया है, मैं उसके साथ नहीं भागा। वो मुझे उस जेल से बाहर लेकर आया। उसके बाद वो पास में खड़ी एक कार को भी बड़ी आसानी से स्टार्ट कर पाया बिना तारों को जोड़े, जैसे वो हर तरह का काम जानता हो। मुझे उस गाड़ी में बिठाया और वहाँ से हम भाग लिए। सफ़र काफ़ी लंबा था, हमें कैलिफोर्निया जाना था और वो मुझे अपने साथ रखने वाला था। मैं उससे कहता रहा, मुझे छोड़ दो, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ कर रहा था जो बता नहीं सकता था। शायद पुलिस हमें ढूंढ रही होगी, लेकिन वो गाड़ी भी बहुत तेज चला रहा था। वो मुझे कहीं ले जाना चाहता था। 2 दिन का सफ़र किया हमने। वो जहाँ भी रुकता खाना उठा लेता और पैसे नहीं देता। वो इसी तरह से आगे निकला जा रहा था और हर कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो उसे डरा देता, कुछ लोगों की पिटाई भी कर देता, लेकिन बस उसका छूना ही काफ़ी होता किसी को भी बेहोश करने के लिए। कुछ अजीब सी शक्ति थी जो मेरी समझ से भी बाहर थी। 2 दिन बाद हम कैलिफोर्निया पहुँच गए थे, कैलिफोर्निया के सैन होसे शहर में। उसे किसी से मिलना था। वहाँ उस पब्लिक बूथ के फ़ोन से उसने फ़ोन किया और कुछ लोगों को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। मुझे भी अपने साथ रखा हुआ था। वहाँ एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पीछे कुछ लोग आए। वो गाड़ियों से बड़े बड़े हथियार निकाल कर जानना चाहते थे यहाँ पर कौन है। वो ढूंढ रहे थे जबकि हम उस फैक्ट्री के पीछे छिपे हुए थे। उसने मुझे कह दिया था, यहीं पीछे छिपे रहना, सामने मत आना, मुकाबला मैं करूँगा और देखना, समझने की कोशिश करना यहाँ पर हो क्या रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है, बस इस ठंड को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे शरीर में जलन का एहसास हो रहा है, ये दर्द मुझे जल्दी ख़त्म करना है। अचानक ही बाहर से और गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी थी और हर किसी के हाथ में हथियार था। वो बड़ी बड़ी गन्स लेकर आए थे। शायद वो इस जले हुए इंसान को ढूंढ रहे थे। इसे वो जानते होंगे, जिन्हें इसने फ़ोन किया वो सब यहाँ पर पहुँच रहे थे। मेरा भी दिल धक धक करने लगा था क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना और वो भी हथियारों के साथ बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। लेकिन ये अकेला उस फैक्ट्री के सामने चलकर जाकर खड़ा हो गया था। उन सब लोगों के सामने और उनके हाथ में बंदूकें थी। वो इसके करीब आए, कुछ बातें करने लगे और कुछ बहस सी होने लगी थी। मैं भी पीछे दीवार से घिसटता हुआ थोड़ा करीब गया और सुनने की कोशिश करने लगा। इनमें बहस हो रही थी कि उस दिन इसे क्यों मारा। मैं समझने की कोशिश करता रहा, आखिर बात हो क्या रही है। लेकिन ये जला हुआ इंसान यही कह रहा था, तुमने गोली चलाई, तुमने मुझे क्यों मारा था, मैं वापिस आ गया। और वो कह रहा था, वापिस आ गए लेकिन कैसे, तुम्हें तो खुद अपने हाथों से दफनाया था, तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो चुके थे, तुमने जोड़ कैसे लिए। लेकिन ये बहस धीरे धीरे बढ़ती गई। वो जला हुआ आदमी अब ज्यादा उसे धक्के मार रहा था और उसके बाद उस भीड़ ने जब गोलियां बरसानी शुरू की उस पर, तो वो गोलियां उसके शरीर के अंदर तो जा रही थी लेकिन खून का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा था, जैसे वो हर एक गोली को खुद में समाता जा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा था, उसके शरीर से भाप निकलनी शुरू हुई, बाद में उसका शरीर जलना शुरू हो गया, अंदर से आग निकलना शुरू हो गई और अंदर घुसी हुई गोलियां पिघल पिघल कर गिरना शुरू हो गई थीं। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो गैंगस्टर की भीड़ थी जो उस पर गोलियां बरसा रही थी, बड़ी बड़ी बंदूकों से, छोटी बंदूकों से। गोलियों की आवाज़ हर तरफ फैली हुई थी। वहाँ दूर दूर तक और कोई नहीं था, लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ गोली जाती, उसके शरीर के अंदर और बाहर निकलती पिघली हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रेनेड से भी उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेनेड का धुआं उसने अपने मुंह के अंदर ऐसे चूस लिया जैसे वो सारा धुआं एक पल में मिट गया हो। मैं बार बार आंखें मलता रहता और देखता रहता हो क्या रहा है। इसके बाद उसने भी अपने शरीर से जैसे आग को छोड़ना शुरू कर दिया था। उसने अपने हाथ से ज़मीन को छुआ था और आसपास ज़मीन जलने लगी थी।
एक एक करके वो भीड़ के लोग भी जलना शुरू हो गए थे। जो भी उसके करीब जाता उसके शरीर को आग लग जाती। आग के कारण वो लोग मरते जा रहे थे। गाड़ी को भी आग लग चुकी थी। वो आग एक जड़ की तरह दूर दूर तक जा रही थी, उन लोगों को छूती और उन्हें जला देती। वहाँ 50 से ज़्यादा लोग थे और मैंने अपनी आँखों के सामने हर एक को जलते हुए देखा था, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ा था जो उसके सामने उससे बहस कर रहा था। उसे अपनी पैंट में मूंदते हुए देखा मैंने। वो इस तरह से डरा हुआ था, घबराया हुआ था। आखिर जिसे उसने अपने हाथों से मारा था वो जिंदा होकर सामने कैसे आ गया है? वो इससे डरा था और अब जो हुआ उससे डरा था। उसने अपने हाथ की उस बंदूक को ज़मीन पर रख दिया, खुद घुटनों पर आ गया और माफ़ी मांगने लगा। वो जला हुआ आदमी आँखों से जैसे अंगारे बरसा रहा था। उसकी आंखों से बूंदें गिर रही थी जो किसी ज्वालामुखी के अंदर का हिस्सा लग रही थी। जलती हुई बूंदें जमीन पर टपक रही थी। उसके बाद उसने उसके सर पर हाथ रखा और उसका शरीर जलने लगा था। ये वैसा जलना नहीं था जैसे आग से हो। उसके शरीर के अंदर से खून उबल उबल कर गिर रहा था और वो चीखें मार रहा था। उसने उसे उबाल उबाल कर मार दिया। ये जले हुए इंसान को देख अब मुझे डर लगने लगा था। क्या चीज़ है ये? ये साधारण इंसान नहीं है, प्रेत है या क्या है? ये यहाँ इन्हें मारने आया था और 50 लोगों की भीड़ भी इसे रोक नहीं पाई। हर किसी को इसने जलाकर मार दिया और जिसे खास तौर पर मारने आया था उसे पिघलाकर मार दिया। हड्डियाँ तक पिघल गई थी और नीचे काले रंग की राख थी जैसे तारकोल का तेल हो। अब वो चलकर मेरी तरफ आने लगा था और मेरी भी टांगें कांपने लगी थी। इसे जो करना था ये कर चुका है। इसने मुझे किडनैप किया हुआ है और ये शायद अब मेरे साथ भी वैसा ही कुछ करने वाला है। मैं भागना चाहता था लेकिन उसने पीछे से कहा, भागने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम भागे शायद तुम्हें चोट लग जाए क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम ही मेरे साथी हो, तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं तुमसे बंध चुका हूँ। मुझसे दूर मत जाओ, मजबूर मत करो। मैंने सर झुकाया और उसके करीब आ गया और वो भी मुस्कुराते हुए बोला, तुम जवाब चाहते थे और तुम्हें जवाब मिलेंगे। मैं जहाँ से आया हूँ तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, तभी तुमसे छुटकारा पा पाऊँगा। मैंने यहाँ अपना काम कर दिया है, मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुक सकता। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मेरा पीछा करने वाले मेरे करीब तक पहुँच आए हैं। मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मुझे वो गाड़ी में बिठाकर एक घर में ले गया। वो घर उसका ही हुआ करता था और वहाँ से उसने पुलिस को कॉल लगा दी थी। उसने कहा कि मैंने इसे किडनैप कर रखा है, इसे बचाना है तो यहाँ पर आ जाओ, मैं इसे जल्द ही मारने वाला हूँ। ये शब्द सुनकर मैं डर गया था। बाहर पुलिस की भीड़ लगी थी और वो मुझे छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। पीछे वाली उस दीवार के वो मुझे पास लेकर गया और पुलिस भी इस घर के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी उसने हाथ लगाया उस दीवार पर। उसके बाद वो जलने लगी थी। धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया। उस दीवार को जलते हुए देखा और उसके अंदर कुछ और दिख रहा था, जैसे उस दीवार के मैं पार देख पा रहा था लेकिन पीछे का हिस्सा। हर चीज़ जल रही थी। पीछे वाले घर भी उस दीवार के पार जलते हुए दिख रहे थे, पेड़ भी जल रहे थे, सड़क भी जल रही थी और गाड़ियां भी जल रही थी। मैं बार बार आंखों को मलकर ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्या ये सच है? हाथ पकड़कर मुझे वो उस दीवार के पार ले गया था और आग से मैं झुलसा तक नहीं था। वहां जब मैं सामने देख पा रहा था हर चीज जल रही थी। आसमान से आग बरस रही थी, आग के गोले जमीन पर गिर रहे थे जैसे विनाश आ गया हो, जैसे धरती पर प्रलय आ गई हो। वहाँ बिल्डिंग जलती हुई देखी, घर जलते हुए देखे, गाड़ियाँ जलती हुई और पैरों के नीचे आग थी, लेकिन मैं झुलस नहीं रहा था। वो बार बार आग से झुलसे जा रहा था और उसे जैसे मज़ा आ रहा था। वो उस आग में जल रहा था और उस आग की गर्मी को बार बार गले लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद वो बोला, वाह, यहाँ वापिस आकर बहुत अच्छा लगा, अब यही मेरा घर है, यहाँ मुझे सज़ा भुगतनी है, उसके बाद मैं आज़ाद हो सकता हूँ। मैं जो समय मांग कर आया था उस समय का मैंने इस्तेमाल किया, सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। और अब मैंने कहा,
मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जवाब चाहता हूँ। तो वो भी मुस्कुरा कर बोला, मैं अपने घर आ चुका हूँ, हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, पूछो क्या जानना चाहते हो, यहाँ मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मैं वापिस आ चुका हूँ। तो मैंने कहा, मुझे पूरी सच्चाई बताओ, तुम कौन हो, क्या तुम मरकर जिंदा हुए हो, क्यों तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं, तुमने उनको क्यों मारा, क्या करना चाहती हो और ये जगह कौन सी है, मुझे हर जवाब चाहिए। और उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया, 1 साल पहले मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया था, मैं साधारण लड़का था जो एक छोटे से घर में रहता था, गरीब, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाकर अपने साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी पहली चोरी थी, हमने अपने चेहरे ढंक कर वो बैंक की चोरी की थी। मैं मासूम लड़का, ये नहीं जानता था कि ये मुझे धोखा देंगे, मुझे इन्होंने वहीं मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मैं सजा भुगत रहा हूँ नर्क की। मैं मर गया था और तब से कुछ समय के लिए नर्क में आ गया। नर्क में आप जितने बुरे हो आपको उतनी बुरी सज़ा मिलती है, और मैं भी 1 साल से ये सज़ा भुगत रहा हूँ, लेकिन आपकी अच्छाई आपको समय देती है, और मैंने उस समय को संजू कर दोबारा धरती पर पैर रखा था, लेकिन नर्क के रक्षक मुझे कभी भी ढूंढ सकते थे। तुमने मेरी मदद की, तुमने जब मेरी मदद की मैं तुम्हारे साथ बंध गया था, इसीलिए मैं बच गया, मैं तुम्हारे साथ ही रह सकता था, तुम्हारा कर्ज मुझे उतारना था और उसी कर्ज को उतारने के लिए मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें ये नर्क दिखाया। मैं नर्क से ही आया था, इसलिए मुझ में ये शक्ति थी, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, मरे हुए को कोई मार ही नहीं सकता, और यहाँ से बाहर निकलना भी एक उपलब्धि ही है, अरबों में कोई एक बचता है जो नर्क से बाहर आ पाता है, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं अपना बदला लेने के लिए आया था और मैंने बदला ले लिया, लेकिन अब मुझे नर्क में दोबारा सड़ना ही होगा, मेरी जितनी सज़ा है मुझे भुगतनी ही होगी, तब मैं आज़ाद हो पाऊँगा, और आज़ादी नर्क से मिलेगी, जिंदगी से नहीं, मैं दोबारा जिंदगी में आऊँगा। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है, लेकिन मैं तुम्हें नर्क में लेकर आया हूँ, तुम अब भी जिंदा हो, तुम अच्छे कर्म कर सकते हो, अगर तुम बुरे बनते गए तो यही नर्क में लंबी सज़ा मिलती है, अच्छे काम करने वालों को कम सज़ा मिलती है, और जो बिल्कुल भी बुरा काम नहीं करता वो नर्क कभी नहीं आता। देख लो ये होता है नर्क, तुम जिंदा हो इसलिए इस तपिश को महसूस नहीं कर पा रहे हो, 1 साल से मैं इतना जल चुका हूँ, इतना जल चुका हूँ कि मैं इस गर्मी को ही अपना घर समझने लगा हूँ। तभी सामने से उड़कर आते हुए अजीब से पिशाच दिखे मुझे, जिनके बड़े बड़े चेहरे थे, सर बहुत विशाल था और धड़ बहुत ही छोटा सा, वो हवा से उड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, उन्हें देखकर मुझे डर लग रहा था, और वो कहने लगा था, ये मेरी सज़ा है, ये मुझे फिर से सज़ा देंगे और मुझे अपनी सज़ा पूरी भुगतनी होगी। लेकिन वो जैसे ही करीब आए मुझे डर लगने लगा था, और वो मुझे धक्का देने लगे थे, उसी दीवार में धक्का देकर उन्होंने मुझे दीवार के पार कर दिया, और मैं उसके घर के अंदर था और पूरा घर जल रहा था, मैं अब खुद तपिश महसूस कर रहा था, नर्क की उस आग में मुझे जरा भी तपिश महसूस नहीं हुई, लेकिन यहाँ ये गर्मी मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोच रहा था क्या करूँ, तभी एक दरवाजे को तोड़कर पुलिस वाले अंदर आए और मुझे खींचते हुए बाहर ले गए। जैसे ही उस दरवाजे से वो मुझे बाहर लेकर गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन उस घर के अंदर बड़ी तेज़ी से आई थी, तो वहाँ बड़ा सा धमाका हुआ, वो घर भी वहाँ उड़ गया था मेरी आंखों के सामने। पुलिस वाले खुश थे कि मुझे बचा लिया गया, वो एक खतरनाक क्रिमिनल था जिसने मुझे अगवा किया था, उसने और गैंगस्टर तक को मार दिया, और यहाँ वो मुझे भी मारने वाला था, पुलिस ये कहानी जानते थे, लेकिन असली कहानी वो नहीं जानते थे। कभी भी उसकी लाश उस घर में नहीं मिली, वो ढूंढते रह गए और अंत में उन्होंने मान लिया, वो उस घर से बचकर निकल गया था। मुझसे भी बहुत पूछताछ की गई और मुझे सरकारी गवाह बना लिया गया, मेरी पुरानी सज़ा भी माफ़ हो गई और मुझे छोड़ दिया गया, वो भी जान गए थे मुझे बुरी तरह से फंसाया गया है और वो मुझे फंसाने वाला था। मैं इस कहानी को किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन ये सच्चाई मैं जानता हूँ, हम जो काम करते हैं हमें नर्क में वैसी सज़ा मिलती है, और नर्क से कोई कोई बचकर आता है जो अपनी कहानी बता पाता है।
मैं उससे मिलने वाला इंसान था और नर्क देखने वाला इंसान था, लेकिन मुझ पर कोई भरोसा करता ही नहीं। शायद जब खुद नर्क की सजा भुगतनी पड़ती है तब ही यकीन होता है। मैंने पहले की तरह ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया और अब भी मैं असमंजस में फंसा रहता हूं कि कोई ऐसा ही मुसाफिर अगर मुझे मिल जाए तो क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छाई के तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं फंस भी सकता हूं तो क्या करूं? आपके हिसाब से आपको क्या निर्णय लेना चाहिए?